महादेव का पंचाक्षर मंत्र पांच अक्षरों से मिलकर बनता है। पांच अक्षर इस प्रकार है, पहला अक्षर है न, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है शी, चौथा अक्षर है वा, पांचवा अक्षर है य। इस प्रकार से इन पांच अक्षरों से मिलकर के यह महामंत्र पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बनता है। और इसमें यदि ओम का संपुट लगा दिया जाए तो यह और ताकतवर होकर के षडाक्षर मंत्र बन जाता है। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय सबसे बड़ा उपयुक्त माना गया है। इस पांच अक्षर के मंत्र में अनेक ताकतें अनेक शक्तियां समाई हुई है, बशर्ते बस जरूरत है इस मंत्र को सिद्ध कर लेने की। पंचाक्षर मंत्र से वैसे सब लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इस मंत्र का पूर्ण रूप से महत्व नहीं मालूम होने के कारण लोगों को इसका महत्व और इसकी ताकत, इसकी क्षमता का भान नहीं है, क्योंकि यह मंत्र बड़ा ही ताकतवर है। और पंचाक्षर मंत्र को अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो सारी उपलब्धियां, हर प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं उस व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है, और जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं उस व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। और इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति अपने कार्य की ओर अग्रसर होता है और अपने मंजिल को हासिल कर लेता है। इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका ये है कि साधक प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सोमवार के दिन भगवान शिव का शुद्ध जल से अभिषेक करें, तत्पश्चात शिवालय में बैठकर ही इस मंत्र की माला जप करें। और मंत्र जप की माला एक निश्चित संख्या में होनी चाहिए। 1,25,000 की संख्या में मंत्र जप सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह व्यक्ति प्रतिदिन 21 या 51 वाला जप करे। जितनी ज्यादा का मंत्र जप होगा उतना ही जल्दी मंत्र सिद्ध होगा। और साधक अगर 2 या 2.5 घंटे बैठने की क्षमता रखता है और नित्य इतनी संख्या में जप कर लेता है तो अवश्य ही कम दिनों के अंदर भी मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र सिद्ध करते करते कई लोगों का प्रश्न होता है कि मालूम कैसे पड़े कि मंत्र सिद्ध हो रहा है, इस बारे में आज आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए, जैसे जैसे मंत्र जप होता रहता है, मंत्र जप प्रगाढ़ होता है, और वैसे वैसे ही साधक को अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती है। मान लीजिए आप 51 माला का नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं और आपको 7-8 दिन या 10 दिन बीत चुके हैं, तो उस समय अनुभूतियां आरंभ हो जाती है। उस मंत्र का प्रभाव व्यक्ति को, साधक को दिखने लग जाता है। अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों के, जो कि बड़े ही दूर यानी कि हिमालय तक के, साक्षात व्यक्ति को स्वप्नावस्था के दौरान दर्शन हो जाते हैं। और जब मंत्र पूर्ण से प्रगाढ़ हो जाता है, वह लाख की क्षमता को पार कर जाता है, उस समय कैलाश पर्वत के भी उस व्यक्ति को दर्शन होते हैं। और जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होता जाएगा, कई साधक ऐसे होते हैं जिनका मन बड़ा ही पवित्र होता है तो उनको भगवान शिव के भी दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हो, चाहे हर प्रकार की सिद्धि हासिल करने के लिए हो, तो ये मंत्र हर चीज के लिए रामबाण उपाय है और हर प्रकार की सिद्धि इस मंत्र से हासिल की जा सकती है, बशर्ते इस मंत्र को सिद्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा ये है कि मानसिक धारणा से कार्य सिद्धि होना, यह भी एक प्रकार का अनुभूति है, एक विशेष अनुभूति से माना जाता है कि धारणा सिद्धि जिसे कहा जाता है वो उस व्यक्ति को हासिल होने लग जाती है। तो इस बात से भी मालूम लगाया जा सकता है कि मंत्र सिद्ध हो रहा है। मान लीजिए किसी विशेष कार्य हेतु आप निकल रहे हैं और पंचाक्षर जप का आपने लाख की संख्या पार कर दी है और नित्य आपका जप नित्य प्रतिदिन चल रहा है, और आप किसी विशेष कार्य के लिए निकलते हैं और फलाना व्यक्ति से मिलने की आपकी इच्छा है और फलाना कार्य आप सिद्ध होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वह कार्य हो ही जाता है, आपके बिना कहे वह कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे व्यक्ति से, जिस सामने वाले व्यक्ति से आप कार्य चाहते हैं, आपके बिना कहे अगर वो कार्य कर ले तो आप मान लीजिए कि आपको मंत्र सिद्ध हो रहा है। और जैसे जैसे व्यक्ति 1,25,000 की संख्या को पार कर लेता है तो और भी अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां उस व्यक्ति साधक को हासिल हो जाती है।
सवाला की संख्या में जब करने के पश्चात में व्यक्ति को इस संख्या को और आगे बढ़ा देना चाहिए और इस संख्या को लगभग साधक, क्योंकि जैसे सवाला की संख्या का आप आंकड़ा पार करेंगे तो भगवान शिव की प्रेरणा से ही, भगवान महादेव की प्रेरणा से ही आपको और शक्ति हासिल होगी और आपकी इच्छा और जब करने की बढ़ेगी। तो आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर उनकी कृपा है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर है, तो आप उस संख्या को और बढ़ा दीजिए और आप मंत्र जप नित्य करते जाइए। रात्रि काल में भी मंत्र जप किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रहे। और जब भी जप करें तो स्नान अवश्य करें। मान लीजिए आपने 50 माला का जप सुबह किया है और आप सायंकाल में जप करना चाहते हैं, तो सायंकाल में स्नान करके पुनः पीताम्बर धोती इत्यादि धारण करके, क्योंकि पवित्र वस्त्र धारण किए, पवित्र वस्त्र धारण करने का विधान है और पवित्र वस्त्र धारण करके ही साधना उपासना करनी चाहिए। महिलाएं धुला हुए वस्त्र धारण कर सकती है और मंत्र जप कर सकती है, और पुरुष अवश्य धोती या पीताम्बर का प्रयोग करें। और रात्रि काल में भी आप 51 माला या 101 माला का जप कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रहे कि आसन से उठना नहीं है, अपने आसन पर बैठने के पश्चात में बीच में उठना नहीं है। अगर 51 माला भी करें तो एक साथ करें, ऐसा नहीं है कि बीच में आप उठ जाते हैं फिर आप आधा एक घंटे के बाद दोबारा बैठते हैं, तो इससे मंत्र जप का उतना प्रभाव नहीं रहता। इसलिए चाहिए कि अपने आसन पर एक बार बैठें तो पूर्ण रूप से जो आपने संकल्प लिया है कि 50 माला तो करनी ही है, तो उतनी माला का जप करके ही आप अपने आसन से उठें और आसन, अपने आसन के पास में एक ताम्रपत्र में जल भरा कर रखें और अपने पीने के लिए भी पानी अपने अलग से रखें ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े। और इसके अलावा मंत्र जप करने के पश्चात में थोड़ा जल अपने आसन के नीचे गिराएं और उसे अपने ललाट पर लगाएं, उसके पश्चात ही अपने आसन से उठें, आसन को समेटें और शुद्ध स्थान पर अपने आसन और माला रखें। माला रुद्राक्ष की ही इस्तेमाल की जानी चाहिए और रुद्राक्ष की माला से ही पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, इसलिए रुद्राक्ष की माला ही शिव उपासना में सर्वोपरि मानी गई है। पंचाक्षर मंत्र की सिद्धि अपने घर में भी की जा सकती है, मगर अगर आप ज़्यादा और जल्दी प्रभाव चाहते हैं तो आप शिवालय में जाकर के ही करें। शिवालय में भगवान शिव का जल से अभिषेक करने के पश्चात में उनको साष्टांग प्रणाम करके घी का दीपक या अच्छी धूप या अगरबत्ती प्रज्वलित करके आप मंदिर के ही किसी कोने में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और उसके पश्चात आप अपने एकांत में माला फेरते रहिए। मंदिर का पूरा प्रांगण मंत्र जप के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि मंदिर में मूर्ति के समीप बैठना ही जरूरी नहीं है, आप मंदिर का पूरा जितना ही प्रांगण है, चाहे मंदिर में कोई पीपल का या वटवृक्ष क्यों ना हो, तो आप उसके नीचे भी बैठ सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है। और एकांत स्थान में ही इस मंत्र की सिद्धि होती है और निरंतर मंत्र जप करते रहें, जब तक दीपक जलता है तब तक मंत्र जप करते रहें, जब तक अगरबत्ती जलती है तब तक मंत्र जप करते रहें और कम से कम एक या दो घंटे जप अवश्य करना चाहिए। शुरुआत इसकी आधा घंटा से कर सकते हैं और शुरुआती समय में माला को गिनना नहीं चाहिए, सबसे पहले अपना समय बढ़ाना चाहिए। समय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम आधा घंटे से शुरुआत करें और फिर उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएं। आधा घंटा से आप पौन घंटा पर आएं और कुछ दिनों के बाद आप एक 3-4 दिन के बाद आप एक घंटा जप करें, उसके पश्चात आप एक घंटा सुबह और एक घंटा सायंकाल में जप करें, और उसके पश्चात आप एक घंटा सुबह और दो घंटे सायंकाल में या रात्रि काल में जप करें। महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जप सायंकाल में सायं 7 बजे से लेकर के रात्रि काल के 1 बजे तक किया जा सकता है, इसलिए साधक को चाहिए कि पूर्ण रूप से अधिक मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि साधक को, व्यक्ति को सिद्धि हासिल होती है। देखिए, मंत्र जप 3 तरह से किया जाता है, एक होता है उपांशु, एक होता है मानसिक, एक होता है वाचक। वाचक में बोल बोल के किया जाता है, मगर बोल बोल के करने से मंत्र सिद्धि में बाधा आती है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह उपांशु जप करे, यानी कि होठ हिलते रहे मगर आवाज पास बैठा व्यक्ति भी ना सुन सके, इस प्रकार से उपांशु जप किया जाता है और धीरे धीरे अपने मंत्र जप की गति को बढ़ाते जाएं। जितना ज़्यादा आपका मंत्र जप प्रगाढ़ होगा और जितना अधिक संख्या में होगा उतना ही फायदा आपको मिलेगा। और
मंत्र जप को बढ़ाते बढ़ाते एक घंटे के अंदर 60-70 माला का लक्ष्य रखें। ये तभी मुमकिन होगा जब आप निरंतर मंत्र का जप करेंगे और ये अवस्था अपने आप 10-12 दिन में आ जाती है और अपने आप गति बढ़ती है और अवश्य ही 1.25 लाख से लेकर के 5 लाख का आंकड़ा अगर व्यक्ति पार कर ले और 5 लाख मंत्र जप कर ले तो विशेष सिद्धि उस व्यक्ति को हासिल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। और अवश्य ही पंचाक्षर मंत्र व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। आने वाले समय में आपको मैं 5 लाख के बाद में और अधिक 10 लाख की संख्या या 21 लाख की संख्या या 11 लाख की संख्या और उसके पश्चात में आपको मैं 1 करोड़ मंत्र जब पंचाक्षर का फल मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। धन्यवाद।